क्वेश्चन नंबर वन, इसमें हमें पार्ट थ्री दिया हुआ है कि इवेल्यूएट करना है, यानी 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल करना है। अब मुझे पता है फैक्टोरियल के लिए मुझे क्या करना होता है, 8 दिया हुआ है तो मैं 8 को एक्सपेंड करूँगी जब तक मेरे पास 1 नहीं आ जाता। तो 5, 4, 3, 2 एंड देन 1, एंड 7 का भी मैं यही करूँगी कि 1 तक उसको एक्सपेंड करूँगी यानी मल्टीप्लाई करूँगी। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में क्या करूँगी कि मेरे पास ऊपर 8 है और नीचे 7 फैक्टोरियल है। मुझे पता है कि मैं इसको 8 को जब फैक्टोरियल्स का एक्सपेंड करूँगी तो मेरे पास 7 से तो वही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगी 8 लिखूँगी एंड देन उसे मल्टीप्लाई करूँगी 7 के फैक्टोरियल से। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या है, 7 का फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल 7 का यहाँ से कट हो जाएगा और मेरे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 8। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।